दोस्तों नमस्ते। मैं बना रही हूँ वीरवार स्पेशल चने दाल का हलवा। तो चने दाल को मैं धोकर रखी थी अच्छी तरह से आधे घंटे पहले, और वही उसी पानी के साथ हम कुकर में से सिम आँच में मैं लगाई थी 2 सीटी। आप देख लेना, 2-3 सीटी में चने का दाल ऐसे सोख किया हो तो बहुत जल्दी पक जाता है, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसका। देखा आपने, बस 1 इंची चने दाल से 1 इंची ऊपर मैं पानी डाली थी, और बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है। ये देखिए, इस टाइप से ये दबाने से पूरा अच्छी तरह से हाथ से दब जाए, इस टाइप से पकाना है। तो इसके जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैं निकाल लूँगी, फिर भी थोड़ा सा पानी रह गया था तो थोड़ा सा ही पानी निकला। तो बस इसको हम छान लेंगे और उसके बाद इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पानी वानी नहीं, वैसे सूखा पेस्ट ही जितना था बन गया, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता इस हलवा में। बस इलायची होगा फ्लेवर के लिए, देसी घी और चीनी। तो 4 चम्मच में इसमें घी ली थी, देखिए नज़र आ रहा कम पर है, अच्छा खासा घी था 4 चम्मच, और बाद में भी हम घी इसमें ऐड किए थे। तो बस घी घी में ये चने का पेस्ट, चने दाल का पेस्ट जो हम तैयार किए थे वो डाल देंगे, और अच्छी तरह से इसको बस भूनना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा भूनना है वैसे इसे अच्छी तरह से लाल होने तक। तो ऐसे भून भून कर ये जब आधा सूख, मतलब पूरा घी इस ऑब्जर्व कर लेता है ये, पहले तो घी ज़्यादा दिखता है, बाद में फिर घी पता नहीं चलता। तो अच्छी तरह से जब ये चिपकने लग जाए कढ़ाई में तो समझ लेना ये अच्छी तरह से हो चुका है। उसी टाइम पे हम इसमें फिर से चीनी ऐड कर देंगे, और चीनी डाल के भी 10 मिनट तक अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया और सुनहरा दिखने लग गया। और चीनी मिक्स होने के बाद 1 चम्मच देसी घी फिर से हम डालेंगे, और डालकर बस 5 मिनट तक चलाएंगे, मिक्स करेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, और बस रेडी है ये हलवा। और इसमें किसी ड्राई फ्रूट्स ये सब की ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो डाल सकते हैं, मैं तो ऐसे सिंपल डालती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट है और हेल्दी है। चने दाल तो पता है आपको, प्रोटीन से भरा हुआ है, और हलवा बना लो स्वीट तो उसकी क्या कहने। तो फिर रेडी है ये, तो टेस्ट करते हैं दोस्तों। टेस्ट की बारी आई, आप भी टेस्ट कीजिए। चलिए मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत नहीं लेकिन बहुत अच्छा ही लग रहा है, हमें तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगता है, आप थोड़ा सा ही बनाइए और खा के देखिए कैसा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए नमस्ते। और अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, और नए लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट भी ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।